राहुल, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? लड़ाई तुम्हारी मुझसे है ना, तो सारी नाराजगी तुम मुझ पे दिखाओ। मम्मी जी के साथ बदतमीजी करने की क्या जरूरत है? उनकी हेल्प कौन करेगा अब? वो बिचारी अकेले सब कुछ कैसे मैनेज करेंगी? राहुल, मैं इस घर में नौकर है, बहुत सारे। इस घर में बिना तुम्हारे सब कुछ हो रहा था और फिल्म भी चली हुई थी, बहुत अच्छा हो रहा था। अपने आपको इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। तुम एक्चुअली जो दिल में था करो, मुझसे दूर रहो। नहीं रहूंगी। बट हाँ, मैंने कहा मैं तुम्हारी हर बचकाने जिद मानना जरूरी नहीं समझती राहुल, सो आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानूंगी। क्या हुआ इसे? तुम गुस्से में क्यों थे? तुम इतना प्यार से बात करी थी, कभी कभी ना ये बहुत बेवकूफ वाली बातें करता है। राहुल? नहीं कबीर, राहुल तो दिल का बहुत अच्छा इंसान है, बस अपनी बातें नहीं छुपा पाता। वैसे भी हम जिन लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उन्हें हम कुछ भी कह देते हैं, क्योंकि उन पे हम अपना हक समझते हैं। यह तुम तो खाम का मुझ पे ऐसा लग रहा, गुस्सा हो रही हो। तुम्हारी माँ ने मुझे कहा था कि तुम्हारा ध्यान रखने के लिए यहाँ पे, मैं तो बस वही कर रहा था। वैसे अगर राहुल कभी कोई तुम्हारी बात ना सुने तो मुझे कह सकती है क्या? कबीर तुम भी ना, पति पत्नी के बीच तो इस तरह के लड़ाई झगड़े छोटी मोटी चीजें तो होती रहती हैं। अब वैसे तुम्हें भी अब शादी कर लेनी चाहिए, और तुम इतने अच्छे इंसान हो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की तुम्हें शादी के लिए मना करेगी। वो खुश नसीब लड़की सिर्फ तुम हो सकती हो मान, बस तुम्हें मुझे खुश रखना होगा। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेके आती हूँ। ये सब हो क्या रहा है? मानवी और राहुल के बीच कोई लड़ाई हो रही थी, लेकिन फिर भी मानवी ने मुझे कुछ नहीं बताया, क्यों? कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में, पर क्या? मुझे नहीं लगता कि राहुल की मृत्यु उससे अब अधिक दूर है। ज्यादा दूर तो नहीं है पंडित जी, मगर शायद सही वक्त नहीं आया, वरना हमला तो किया था अग्नि ने उस पे, पर वो राहुल बच निकला। पर एक बात है, ये कबीर जब से हमारे साथ रहने लगा इस घर में, तब से दिक्कतें बहुत बढ़ गई हैं हमारी। क्या कबीर वाकई में? मानवी वो तुम्हारा भाई है, मैं इस टाइम बस अपने भाई के पास होना चाहिए। I'm shocked यार, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ओके, एक काम करते हैं, तुम्हें मैं ड्रॉप कर देता हूं। मैंने तो राहुल को वहां इसलिए बुलाया था ताकि मैं उसे सब कुछ सॉर्ट कर सकूं, बाकी मेरी बहन को इस घर में कोई प्रॉब्लम ना हो। सही कहूं तो मेरा आइडिया तो था भी नहीं, ये घाट पे बुलाने का आइडिया तो कबीर का था। नहीं नहीं, कबीर कभी हमारा बुरा नहीं चाह सकता, उसने तो हमेशा हमारी मदद की। ये इंसान कोई और ही है, लेकिन कौन? जो भी है, उसकी असलियत सामने आने तक मुझे नॉर्मल बिहेव करना होगा। राहुल या पापा को अगर पता चल गया कि मैंने क्या देखा था तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे, और अगर ये बात दुश्मन को पता चल गई तो वो होशियार हो जाएगा और उसे पकड़ना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मैं किसी को इंसान में बदलने वाले सांड या उसके कुल के बारे में नहीं बता सकती। वो जो भी है मेरे आसपास, और किसी भी तरह मैं उसका पता लगा के रहूँगी।